वेलकम टू हेल्दी हो। मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे अपने बच्चे को कैसे तैयार किया जाए एक डॉक्टर विजिट के लिए। बच्चों के माइंड में ना बहुत एंग्जाइटी रहती है, एक फियर रहता है कि हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो वहाँ क्या होगा। एक तो फियर ऑफ अननोन कि भाई वहाँ जाके क्या होगा एग्जैक्टली वो नहीं पता। एक सेपरेशन एंग्जाइटी रहती है बच्चों में कि वहाँ जाके ऐसा तो नहीं कि मैं पेरेंट्स से अलग हो जाऊँगा। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है पेरेंट्स का कि कितना एज अ पेरेंट्स हम उसको पहले से बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। तो पहली चीज़ जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करना चाहिए बच्चे के साथ। पहली चीज़ हमें ये बताना है कि क्यों ये विज़िट हमारे लिए ज़रूरी है और वहाँ जाके क्या क्या हो सकता है उसको अगर पहले से ही उसका अंदाज़ा होगा तो चीज़ें बेटर रहेंगी। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम वहाँ जाएंगे तो पहले रिसेप्शन पे जाएंगे, वो आपका वेट लेंगे, वो आपकी हाइट नापेंगे, फिर हम थोड़ी देर वहाँ बैठ के वेट करेंगे, आसपास कुछ फ़ोटोज़ होंगी वो देखेंगे। या इवन इसका एक बहुत बड़ा ज़रिया रहता है आजकल तो ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप उस क्लिनिक का या उस डॉक्टर की ऑनलाइन प्रोफाइल देख सकते हैं। तो बच्चा वंस सीज द फोटोज़ और वीडियोज़ तो ही कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, एक अननोन वाला जो फैक्टर है वो कम हो जाता है कि वहाँ जाएंगे तो डॉक्टर आपको हमारे लैब से हो सकता है बैठा के बेड पे लेटाएं, पेट टमी को छुएंगे, स्टेथोस्कोप लेके आएंगे, चेस्ट पे लगाएंगे, हो सकता है आपको मुंह खोलने को कहें और टॉर्च से चेक करें। तो ये सारे प्रोसीजर्स अगर हम थोड़ा बहुत उसको अंदाज़ा दे देंगे पहले से तो एक एंग्जाइटी जो लेवल है वो कम रहेगा। दूसरा चीज़, अब विज़िट दो टाइप की हो सकती है, एक तो रूटीन विज़िट और एक होता है इमरजेंसी विज़िट। तो इमरजेंसी विज़िट है तो उनको समझाना है बच्चों को कि भाई आप बीमार हो, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपको मेडिसिन देंगे तो आप जल्दी हील हो जाओगे। सो एक पॉजिटिव अगर उसके अंदर माइंडसेट होगा तो बच्चे का जो इंटरेक्शन होगा डॉक्टर के साथ वो बेटर रहेगा और थिंग्स विल बी बेटर ऑफ। और अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल रूटीन वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं सो अब वैक्सीनेशन विल बी डेफिनेटली पेनफुल, बट अगर हम उन्हें पहले से हम गाइड करेंगे भाई वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये डोज हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप और स्ट्रांग बन जाओ और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और आप और हेल्दी हो जाओगे, इसलिए ज़रूरी है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस पेनफुल स्टिमुलस विल बी लेस देन 15 सेकेंड या 15-20 सेकेंड का होगा। आजकल तो भी ट्राई कि हम आपके लैप में ही इंजेक्शन लगा दें, तो वो बहुत सारी चीज़ें अगर उसको पहले से एंग्जाइटी नहीं होगी तो पेन रिलेटिवली कम रहेगा और एक विज़िट फ्रूटफुल रहेगी और आगे के लिए भी हम उसको बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे।